भारतीय सेना नगर सेविका गीता सेंगन द्वारा बोरीवली स्थित रूपवती नगर में किया गया, जो सुबह के 10 बजे से दोपहर के 1 बजे तक आयोजित रहा। वहां की जनता ने इस मेडिकल कैंप का लाभ उठाया। वहीं साथ ही मेडिकल कैंप के दौरान खुद वहां मौजूद रही नगर सेविका गीता सेंगन ने लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर जाँच करवाने की अनुरोध करती नजर आई। ये जो कैंप हमने यहाँ पे आयोजित किया है, ये हमारे मुख्यमंत्री और हमारे शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे और हमारे पालक मंत्री यहाँ के आदित्य जी ठाकरे, इन्होंने यहाँ पे अपना जो उत्तर मुंबई है यहाँ पे सब जगह ये कैंप आयोजित किया है, ये मेडिकल कैंप। और ये इसके करने का पीछे ऐसा मकसद है कि सब पेशेंट जितने हैं उतने उनको निकाल के उनके ऊपर इलाज किया जाए और कोरोना का हमको समूह उच्चाटन करना है हमारी उत्तर मुंबई से, तो इसके लिए ये कैंप आयोजित किया है। और ये जो एरिया है यहाँ पे बहुत से गरीब लोग हैं जो कोरोना टेस्ट होता है तो वो करना इतना एफर्ट नहीं कर सकते, तो हमारे आदित्य साहब जी ने यहाँ के जो लोगों के लिए ये कैंप का जो मेन उद्देश्य है कि यहाँ पे जो टेस्ट होने लगे कोरोना का टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट करने वाले हैं। अगर उनको कोई भी लक्षण दिखाई देता है तो वो जो टेस्ट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम करने वाले हैं, तो सब जगह यानी उत्तर मुंबई में जितने मेरे वार्ड में 3 कैंप मुझे दिए गए हैं और अगर मुझे चाहिए तो और भी हम कर सकते हैं, तो जगह जगह 3-4 कैंप हर एक वार्ड में दिए हैं, जिसके वजह से हम कोरोना के जो पेशेंट हैं वो जाके ढूंढ के निकाल रहे हैं, जो डर रहे हैं पब्लिक तो बाहर नहीं आ रहे, जो बुखार वगैरह आ रहे हैं तो उनको पता नहीं है, तो आगे वो बड़ी बीमारी न होए तो इसके लिए उसको ढूंढ के तात्पुत लगेज उसके ऊपर तुरंत उसका इलाज किया जा रहा है। गीता जी, आप इस महामारी के बीच एक योद्धा बनके पूरी तरीके से अपनी जनता के साथ खड़ी हैं। हाँ, हम लोग, मैं हूँ, मेरे सब शिवसैनिक है, मेरे शाखा प्रमुख है, शाखा संगठक है, मेरी जो पूरी शिवसेना की टीम है, हमारे कार्यालय प्रमुख है, और सबसे ज़्यादा मैं श्रेय दूंगी मेरे हस्बैंड, वो हमेशा मुझे मेरे पीछे खड़े हैं, तो सब जगह हम हर पूरी टीम हमारी हर जगह उतरती है। हमने कभी सोचा नहीं, हम लोग खाली समाज कार्य कर रहे हैं, इसमें कुछ भी राजकारणी आए इसमें कुछ भी नहीं, हम लोग अच्छी तरह काम कर रहे हैं और वार्ड में हमारे यहाँ एक ही मकसद है कि यहाँ से कोरोना निकल जाए। तिरुपति नगर एरिया में ऐसा है, यहाँ पे सब स्लम एरिया पूरा आजू बाजू में ज़्यादा है, और यहाँ के गरीब लोगों के लिए जो भी छोटा मोटा जैसा आ जा रहा है कि टेम्परेचर है, ताप है, सर्दी खोखला है, उसके साथ साथ में कोरोना के साथ में छोटा साथीचे रोग जैसे कि अपन म्हणतो मलेरिया, डेंग्यू, याची पण इथं सगळ्या गोष्टीच्या औषधाचे उपचार या ठिकाणी आपण आयोजित केलेलं आहे। हे सगळं श्रेय आमचे मुख्यमंत्री उद्धवसाहेब ठाकरे, आणखीन पालकमंत्री आदित्यसाहेब ठाकरे यांच्या संकल्पनेतून आपल्या उत्तर मुंबई जिल्ह्यामध्ये हे सगळं आयोजन केलेलं आहे। याचं कारण असं आहे की उत्तर मुंबई जिल्हा हा आपला रेड झोन म्हणून मुंबईमध्ये डिक्लेअर करण्यात आला, आणि या ठिकाणी सर्वात जास्त पेशंट या मुंबई शहरामधल्या या उत्तर मुंबई जिल्ह्यामध्ये मिळालेले आहेत, आणि त्याच्यावरती उपाययोजना म्हणून आपण या ठिकाणी जे आज मेडिकल कॅम्प आयोजित केलेले आहेत, माझ्या प्रभागामध्ये 3 ठिकाणी मेडिकल कॅम्प आपण आता प्रस्तावित आहेत, पण अजूनही काय लागले तर आम्हाला ते मेडिकल कॅम्प देणार आहेत, त्यामुळं ज्या ज्या ठिकाणी गरज असेल त्या त्या ठिकाणी आम्ही मेडिकल कॅम्प आयोजित करून लोकांना त्याच्या ह्या कोरोनापासून बचाव प्लस साथीचे रोग असतात त्याच्यापासूनही बचाव करण्याचा प्रयत्न आम्ही या ठिकाणी करतो आहे। कारण आता सेविका जो है वो मैडम का हमें पहले से ही सहकार्य वगैरह मिल रहा है, ये जो हमने ऑर्गेनाइज वगैरह किया है उनकी मदद से ये ऑर्गेनाइज हमने किया है, उन्हें सब हमें ये एरिया साफ सफाई बैठने की व्यवस्था जो भी है सब उनकी व्यवस्था उनके तरफ से मिली है। तो एरिया है त्रिमूर्ति दादा साहब रूपवते नगर, आज तक यहाँ पर लगभग 30 से भी ज़्यादा पॉजिटिव कोरोना के पेशेंट्स मिले हैं हमें, तो इसके अनुसार जो भी और भी सस्पेक्टेड पेशेंट्स है उनके लिए ये कैंप आज आयोजित किया गया है। इसमें आज हम लोगों का स्क्रीनिंग कर रहे हैं, जो जो लोगों में COVID-19 के सस्पेक्टेड सिम्टम्स दिखाई देंगे जैसे बुखार, सर्दी, खांसी, दम लगना, ऐसे पेशेंट्स को हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं, और जो सस्पेक्टेड COVID-19 के पेशेंट हमें लग रहे हैं उन्हें हम पहले क्वारंटाइन करेंगे और उसके हिसाब से उनका स्वैब टेस्ट करेंगे। इसके द्वारा ही मेडिकल कैंप आयोजित किया गया, इससे पहले भी कोई मेडिकल कैंप हुआ या पहली बार? नहीं, इसके पहले छोटा छोटा हुआ मेडिकल चेकअप,
लेकिन अभी हमारे नगर सेविका शिवसेना शाखा क्रम 12 के गीता सिंगण इनके मार्फत ये हो रहे हैं। और वो कभी भी हम लोग आवाज़ देंगे कार्यकर्ता कोई भी तो भी हमारे नगर सेविका तुरंत आती है, कुछ भी प्रॉब्लम होने दो, रात के 12 बजने दो, वो हमारे लिए हाजिर रहती है। अनाज दिया, सैनिटाइजर किया, मास्क बांटा और गेहूँ का आटा, ये सब अनाज विनाज सब जो रिक्शा वाले हैं गरीब लोग हैं उनका ये नहीं है, किसी को सिलेंडर का भी उन्होंने आयोजन किया, यानी कि कोई भूखा नहीं रह सके, इसके लिए उनका बहुत हम लोग को प्रोत्साहन मिला है।